तो आज हमने ये जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई है अपनी जो सीधे सीधे खास खास वर्कर है, तो अभी हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है कि पहले हमने इनके साथ बात करने डिस्कस करना है जो हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यहाँ पर हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इनसे ये मसला मशवरा करके अब हम आज से हम अब फील्ड में जा रहे हैं, तो लोगों के पास जा रहे हैं। जो हमारा मंशूर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो हम लोगों के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह देखते हैं क्या हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब एक दिग्गज पॉलिटिशियन है आपके मुकाबले में, तो आपको लगता है आप उसको हरवा पाएंगे? हार का कोई मसला नहीं है, हमने तो फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले भी हराया, जब हमारे तारिक हमीद करा साहब पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये कैंडिडेट थे तो हमने उस टाइम भी उसको हराया था। फारूक अब्दुल्ला को कोई टफ मुकाबला नहीं है। यहाँ से पीडीपी कैंडिडेट कामयाब हुए थे आबिद अंसारी साहब, उसने अब पीसी ज्वाइन किया, कोई फर्क पड़ी आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंडिडेट है, लोगों को सब कुछ पता है, लोग सब कुछ जानते हैं, लोग देखते हैं किसने क्या किया, किस कैंडिडेट ने क्या किया, किस एमएलए ने क्या किया, तो लोगों को सब कुछ पता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पीडीपी का वोट है वो वोट पड़ेगा उनको, उसमें कोई दो राय नहीं है। राम माधव का अपना नजरिया है, अभी तो वो आप बाहर की बात कीजिए, जो अभी हाल ही में जो बाकी स्टेटों में इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, वो वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि मोदी वेव है। फिर तो ये इस वक्त जो कोलेशन हो रही है बाहर, तो उस पर उसने अपनी नज़र क्यों नहीं डाली कि क्या हो रहा है? वो अभी ख्वाब गफलत में है, उनको तो ये बोलना है, उनका काम है ऐसा बोलना, अभी पता चलेगा ना। आज सेमीफाइनल है तो फाइनल आने दो, फिर पता चलेगा राम माधव जी को।